अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डूफास्टन टैबलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। डूफास्टन एक हार्मोनल मेडिसन है जिसमें डाइड्रोजिस्ट्रॉन होता है। ये प्रोजिस्ट्रॉन नामी खवातीन के हार्मोन की तरह होता है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और हम बात कर लेंगे इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, और हम इसकी कुछ रिस्क और वार्निंग्स के बारे में, और लास्ट पे हम बात कर लेंगे कि डूफास्टन टैबलेट्स 10 एमजी का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और इसकी प्राइस क्या होती है। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डूफास्टन टैबलेट्स 10 एमजी के इस्तेमाल के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है इरेगुलर पीरियड्स में, यानी जिन फीमेल्स की महावारी में इरेगुलरिटी होती है, यानी जिन फीमेल्स को पीरियड्स जो हैं वो अपने टाइम से पहले आ जाते हैं या बाद में आते हैं, तो वो फीमेल्स जो हैं वो डूफास्टन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनको डॉक्टर डूफास्टन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी में, यानी जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो उन फीमेल्स में डूफास्टन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर्स करवाते हैं। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस, बच्चेदानी के बाहर टिश्यूज जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल्स को जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियां जो हैं वो महावारी से चंद दिन पहले होना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। और नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है थ्रेटेंड अबॉर्शंस में। थ्रेटेंड अबॉर्शंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट से खून बहना शुरू हो जाता है, जो कि हमल के पहले 20 हफ्तों में होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर्स डूफास्टन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है हैबिचुअल अबॉर्शन में। और लास्ट पे इसका इस्तेमाल करते हैं अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पेन में, यानी कुछ फीमेल्स को वक्त से पहले मेंसेस आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी डूफास्टन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, यानी उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलर करने के लिए। नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, एबडोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ड्राई माउथ की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, इनडाइजेशन हो सकती है, आपकी स्किन पर रैश हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, आपको इसका इस्तेमाल करने से खांसी आ सकती है, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल करने से आपको एबनॉर्मल और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। इनका इस्तेमाल अगर आप लोग ज्यादा देर तक करते हैं तो आपका वजन भी बढ़ सकता है, और ब्रेस्ट टेंडरनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, हेडेक हो सकती है, ड्राउजीनेस डिजीनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल करने से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपको ब्रेस्ट पेन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल करने से आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, इसीलिए आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। खुद से आपने किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, डॉक्टर आपका चेकअप करके आपको देख के उस हिसाब से डॉक्टर आपको आपकी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, तो इसलिए व्यूवर्स आपने खुद से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की, तो डूफास्टन टैबलेट जो है ये इंट्रैक्ट कर सकती है फिनोबार्बिटल को, मॉर्फिन को ये इंट्रैक्ट कर सकती है, रिफिम्पिसिन को ये इंट्रैक्ट कर सकती है। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ये कि अगर आपको डूफास्टन में मौजूद इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, या आपको इसका इस्तेमाल करने से कुछ सिवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपकी स्किन पर रैश हो गए हैं, इचिंग हो गई है, स्वेलिंग हो गई है आपके फेस पर, आपकी जुबान पर, आपके गले में, या आपको सिवियर डिजीनेस की शिकायत हो रही है, या आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने फौरन इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
नेक्स्ट व्यूवर्स, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। और नेक्स्ट, अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग, यानी आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आपको ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, तो तब आपने बिल्कुल भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है। और सिवियर लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो पेशेंट्स जिनकी थ्रम्बो एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है, यानी ब्लड क्लॉट्स की हिस्ट्री है, तो वो लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। और व्यूवर्स, अंडर 18 इयर्स की जो गर्ल्स हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनमें ये रेकमेंडेड नहीं है। ये थे इसके रिस्क और वार्निंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डोफास्टन टैबलेट 10 mg का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने इस टैबलेट की एक्सपायरी डेट जो है वो जरूर चेक कर लेनी है। अगर मेडिसिन एक्सपायर है तो आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे आपको डॉक्टर इसकी डोज प्रिस्क्राइब करेगा, वैसे ही आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आपने इसका इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, यानी आपने इसकी ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं लेनी। और व्यूवर्स, आप इस टैबलेट का इस्तेमाल खाने से पहले या खाने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आपने इस टैबलेट को खाने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले दिन जिस टाइम पे ये टैबलेट ली है, अगले दिन भी उसी सेम टाइम पे इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो करना है। इसको आपने ओरली लेना है एक ग्लास वाटर के साथ, और इसको आपने चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना। लास्ट पे अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो व्यूवर्स इसकी 20 फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो हैं ये आपको 995 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगी, तो आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।